बहुत अच्छी बात है, महफूज मामा जो लड़कियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, आजकल लड़कियों को सपोर्ट नहीं करता है। लड़कियां भी किसी बारे में कम नहीं है, सबके साथ वो चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो मैं प्राउड ऑफ हूँ इंडिया के गर्ल्स के लिए। आज हमने लिया के जहाँ पे यहाँ पे खेला गया लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे महफूज, आज हम महफूज मामा से बात करते हैं। तो महफूज मामा, आज आपने जो लड़कियों के लिए यहाँ पे जो गेम रखे थे, उस आप बता सकते हैं उस पूरे बारे में कि आपने जो गेम रखी किस वजह से रखी? मैं इसलिए रखा हूँ कि बच्चों बच्चियाँ जो भी हैं उनके अंदर वो टाइनर देखना चाहिए, तो बच्चियाँ वो भी कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए बच्चे तो हर जगह लेके करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो बच्चों को भी शौक होता है वो भी कुछ ना कुछ करें। तो अभी मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, कोई भी उसके अंदर टाइनर होना चाहिए और कुछ भी अपना अपने आप को जो है कुछ भी करने की ताकत रखना चाहिए। तो आज जो लड़कियां जीती है उसके हौसले में आप और क्या कहोगे? मैं ये आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे ग्राउंड पर मैंने अपनी बहनों को लाया। आज मेरी बहन ने वो दिखाया कि मेरे अंदर वो कला है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद मैं आप लोगों मीडिया के कहने से कहने चाहता हूँ कि किसी का भी बच्चा हो अगर नशे की तरफ जाता है तो वो मोरा स्पोर्ट क्लब को एक बार इनवाइट करो, मैं उसके साथ में खड़ा होऊंगा, उसको सही रास्ते बुलाऊंगा। तो महफूज बाबा बता सकते कितनी टीम यहाँ पे आई थी और कहाँ कहाँ से आई थी? 8 टीमें हैं, जो इतने सब बच्चे हर जगह से हैं, पूना से भी हैं, मुंबई से भी हैं, हर जगह से बटोर के एक नासिक से है, तो यहाँ हर जगह से बच्चे बटोर के, तो वाकई टीम बनी हुई है, सब बच्चे खेल रहे हैं। आइए हम आपसे भाई से भी बात करते हैं। आपसे भाई आप बताओ कि आज जो बच्चियाँ जीती है तो ये कौन सी टीम जीती है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये हमारे जो आज की फाइनल विनर टीम है, ये मीरा रोड की टीम है, अली भाई है, मीरा रोड से ताल्लुक रखते हैं काफी, जैसे यहाँ पे मामा है वो भी मीरा रोड में वॉलीबॉल के लिए उतना ही नाम रखते हैं, तो उनकी भी टीम हमेशा रहती है, तो आज उनकी टीम गर्ल्स में भी थी यहाँ पे, क्योंकि गर्ल्स का टूर्नामेंट कम होता है यहाँ पर, आज सेकेंड टाइम टच किया हम लोगों ने ऑर्गेनाइज, तो उनकी टीम काफी अच्छी टीम थी, उनकी विनर टीम हुई है आज की मीरा रोड की, और जो रनर अप हुई है वो बदलापुर की टीम है। इन बच्चियों के हौसले के लिए ही तो हम लोग यहाँ मुमरा में, जो मुमरा हमारा बदनाम है कि यहाँ पर लोगों को अलग तरीके की फीलिंग एक रहती है, कि मुमरा का नाम आता है तो एक अलग फीलिंग आती है। तो ये बच्चियाँ खुद बता सकती है यहाँ पे आने के बाद ग्राउंड पर उनको क्या खेलने का क्या अनुभव क्या मिला है, तो ये वो बच्चियाँ भी बता सकती हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि हम लोग कोशिश ये है कि मुंबई से, पुणे से, जहाँ से भी कुछ टीमें कोविड की वजह से नहीं आ पाई हैं, गुजरात की टीम बॉर्डर पे रुक गई, नहीं तो शायद मैच और भी अच्छा होता। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुमरा स्पोर्ट्स क्लब या मुमरा जो बदनाम है इसकी वजह से, तो इन लोग आएंगे तो एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर के जाए और जाकर के बताएं कि मुमरा के अंदर एक्चुअली है क्या। आइए अब हम आपको बता दें जो टीम जीती है मीरा रोड की, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? तो आज जो आप जीते हो इस खुशी में आप क्या मैसेज देना चाहूँगी? ये कहना चाहूँगी कि जो ये टूर्नामेंट हुआ है ऐसी इधर पे होता रहे, हर साल होता रहे, हमें ऐसी आने का मौका मिलेगा, हम खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को बहुत ऐसा है कि गर्ल्स को टूर्नामेंट खेलने मिलता नहीं है, वॉलीबॉल में ज्यादातर लड़के ही आगे मतलब जा रहे हैं, तो हमें भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम भी आगे जाएंगे। सबसे एक ही बात करना चाहूंगी कि सारी लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहूंगी, जो अब से अभी कई लड़कियां हैं जो आगे बढ़ने के लिए डरती है, तो उन लड़कियों को हौसला देने के लिए आप लोग क्या कहोगे? मेहनत करें और अगर सफलता नहीं मिले तो और ज्यादा मेहनत करें, कभी ना कभी मिलेगी। यही हमारे साथ जीती हुई टीम के कोच भी है, आइए उनसे बात करते हैं। तो सर आज जिस तरीके से आपकी टीम जीती है उस पर आप क्या कहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुमरा में सेकंड टाइम लेडीज का टूर्नामेंट कर रहा हूँ और आगे चल के भी और होते रहे, क्योंकि मुमरा में लेडीज का टूर्नामेंट किसी को मालूम है लेडीज खेलते बोल के, आज तक किसको ये भी नहीं मालूम लेडीज का टूर्नामेंट क्या होता है, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, मुंडा में भी लेडीज का टूर्नामेंट होता है। महफूज मामा के लिए आप क्या कहोगे? एक्चुअली हम लोग संडे को जो मिला था, महफूज मामा मेरे को बोला एक लेडीज टूर्नामेंट करना है,
बोलता अली भाई तुम ही करो। तो मैंने एक्चुअली 10-15 टीम से बात किया हूँ, कोविड के चलते सब टीम नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी 5-6 टीम आया अपना। और अच्छा मामा ने इतना मेरे को सपोर्ट किया, तो मैंने ये टूर्नामेंट पूरा ऑर्गेनाइज मामा की वजह से किया। मामा ने सिर्फ एक बार मेरे को बोला लेडीज का टूर्नामेंट करना है, तो बोला ठीक है मामा, आप बोल दिया बात खत्म। आज जिस तरह महफूज मामा फीमेल लड़कियों को, मतलब लड़कियों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है, महफूज मामा जो लड़कियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, आजकल लड़कियों को सपोर्ट नहीं करता है। ये हमारे कोच है और हमें लिटरली इनसे गर्व है, क्योंकि इन्होंने मीराउट में हर साल में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक या दो बार तो करते ही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम गर्व है हमें। आई एम प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ इट। आपका नाम क्या है और आप क्या कहोगे? मेरा नाम धनाश्री है और मैं अली भाई के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो है जो एक गर्ल्स के टूर्नामेंट को सपोर्ट करते आए वॉलीबॉल के गर्ल्स के लिए, और आज तक 2015 से उन्होंने जो जो टूर्नामेंट अरेंज किया है वो बहुत सक्सेसफुल हो गई, और उससे गर्ल्स भी बहुत प्रेरित हो रही है और खेलने कूदने के लिए, मतलब वो हमेशा आगे रहती है बिकॉज ऑफ दिस मैन। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और खेलते रहो, और सपोर्ट करने वाले अली भाई जैसे अपने को मिलेंगे। आपको क्या फील हो रहा है आज जिस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही है लड़कों से, तो इस पर आप क्या कहो? लड़कियां भी किसी बारे में कम नहीं है, सबके साथ वो चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो मैं प्राउड ऑफ हूँ इंडिया के गर्ल्स के लिए, और वर्ल्ड में जो जो वुमेन्स है सक्सेसफुल वुमेन्स है उसके लिए, और उनका ही आदर्श रखे और आगे बढ़ते रहिए। तो आपने सुना इन बच्चियों ने जो जीते है, मीरा रोड से आई है, ये लड़कियां जीत गई है, बदलापुर की जो टीम थी वो हार चुकी है, और बुमरा में एक ये इतिहास होगा कि बुमरा को इतना बदनाम किया गया है कि बुमरा से नशा बहुत ज्यादा है, बुमरा को सिर्फ हर बात गलत ही बताया जाता है, और एक नया इतिहास दिखाई दिया है यहाँ पे लड़कियों का स्पोर्ट लगा के स्पोर्ट करवा के, और लड़कियां यहाँ पे खुल के खेली जा रही है। जिस तरीके से लड़कियों को ये बताया जाता है कि लड़कियां नीचे होती है, लेकिन आज लड़कियों ने कैमरा मैन हुसैन के साथ में।